श्रद्धा कम रहती है, विश्वास कम रहता है, मोह माया बहुत ज्यादा रहती है, भगवान की माया के अंदर बैठ जाता है और उस परमात्मा को याद नहीं कर सकता। तुरंत अक्रूर जी महाराज रथ को लेके गए मथुरा के अंदर, और मथुरा के अंदर ले जाकर के जैसे ही बाग के अंदर बिठाया, भगवान कृष्ण को निवास दिया। मन में विचार किया और अक्रूर जी महाराज कंस को जाकर के कहा कि तुम्हारा काल यहां स्वयं मथुरा आ गया, अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कंस ने तुरंत धनुष यज्ञ की तैयारियां कर ली। रात्रि बीत गई, प्रातः काल होते ही भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया और कहा कि बाबा हम मथुरा घूम आए। मन में विचार किया, तब भगवान ने मन में विचार करके कहा, तब नंद बाबा ने मना कर दिया और तुरंत कहा कि बेटा इन ग्वाल बालों को लेकर के तुम मथुरा में जाओगे, मथुरा कोई गांव नहीं है, शहर है, और शहर के अंदर तुम कहीं इधर उधर गए गांव के लोग तो तुम्हारी गाड़ी की लग जाएगी। भगवान ने कहा कि हम बलराम जी के साथ जाना चाहते हैं। तब तुरंत भगवान कृष्ण और बलराम के साथ में ग्वाल बाल सका मथुरा मेला देखने जो आए थे, तुरंत मन में विचार किया और घूमने के लिए निकले। जैसे ही त्रिलोकी का नाथ भगवान कृष्ण मथुरा की गलियों से निकलने लगा, ऊपरों से सुमन कुसुमन वृष्टि होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। ग्वाल बालों को पता चला भैया यहां तो स्वागत हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि हम ननियाल में आए हुए, नानेरे आए हुए, इसीलिए स्वागत तो हो नहीं है, हमारे मामा जी है कंस। तो अब तुरंत मन में विचार किया और ग्वाल बाल कहने लगी कि भैया ये बात पहले बतानी चाहिए तेरे को कि इतना स्वागत होगा। तुरंत मन में विचार किया और ग्वाल बालों के साथ में गए। तब ग्वाल बालों ने कहा कि भैया कपड़े फटे फटे पे स्वागत हो रहा है, शर्म आ रही हमको। तो भगवान ने कहा कि थोड़े आगे बढ़ो, कपड़े की व्यवस्था करते हैं। और धीरे धीरे ग्वाल बाल सब आगे बढ़ने लगे कि सामने से एक धोबी आ रहा था, रथ लेकर के धोबी आ रहा है, कंस के कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। और लेकर के जैसे आगे बढ़ने लगा, तुरंत मन में विचार किया और भगवान कृष्ण पास में पहुंच गए और कहा कि मामा जी राम राम। धोबी आके फाड़ के देखने लगा कि ये भांजा कहां से आ गया मेरा। धोबी ने कहा कि क्यों रे, तूने मुझे मामा जी कई मात्रा बोलियो। जैसे ही इस बात को कहा कि मामा जी किस लिए बोला, तब भगवान ने कहा कि अरे मैं यहां के राजा कंस हैं, उनका भांजा हूं, इसीलिए आपको मैंने मामा जी बोला। अच्छा अच्छा कृष्ण तू ही है। कहा कि हाँ महाराज मैं। मन में विचार किया और तुरंत कहा कि अच्छा चल यहां से भाग जा, गवारिया कोखर का पानी पीता, गाय चराता, जंगल में घूमता और राजा कंस के कपड़े लेने के लिए बोल रहा है। भगवान ने कहा कि हम तो मामा जी कह रहे, मामा जी इतने गर्म हो रहे। तुरंत मन में विचार किया और एक ग्वाल बाल चल रहा था साथ में, उन्होंने कहा कि भैया इनको पूतना वाले हाथ दिखा दे, हम तो प्रेम से मामा जी कर रहे हैं और मामा जी इतने गर्म हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने प्रेम के वश में उस ग्वाल बाल की वाणी को सुनकर के पास में पहुंचे और एक तमाचा मारा उसके, जैसे ही तमाचा मारा धोबी राम नाम सच्चे। जब ये पता चला उस धोबी घाट के पास में कि वो धोबी मारा गया, सब कपड़े छोड़ छोड़ करके भाग गए और वहां से जैसे कपड़े मिले सबने अपनी अपनी पसंद से पहन लिए और जैसे आगे बढ़ने लगे तुरंत मन में विचार किया, लेकिन कंस के कपड़े थे और छोटे छोटे ग्वाल बाल बाल बहुत बड़े बड़े कपड़े हो गए। अब जैसे चलने लगे तो पीछे पीछे जैसे झाड़ू लग रही हो, बड़े बड़े कपड़े। ग्वाल बालों ने कहा भैया इसे तो शर्म आती है क्योंकि बहुत बड़े हैं, तो चमकीले भड़कीले कपड़े। तब तुरंत मन में विचार किया और भगवान ने कहा कि आगे चलो कोई व्यवस्था होगी। आगे पहुंचे, श्रीदामा नाम का माली था, उसने खिड़की से देखा कि ग्वाल बालों की टोली आ रही है। तुरंत मन में विचार किया और कहा कि प्रभु पधारो, मैं आपका स्वागत करता हूं। अरे भैया आप कौन हो? कहा कि मैं श्रीदामा नाम का माली, श्रीदामा नाम का मैं टेलर कपड़ा सिलता हूं, दर्जी हूं महाराज।
अरे महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी, ये कपड़े ठीक कर दो हमारे। अरे महाराज बड़ी कृपा होगी, अभी उतारो, अभी कपड़े ठीक कर देता हूँ। और तुरंत ग्वाल बालू ने कपड़े उतार के दिए, सबको ठीक कर दिया। सबने पहने तो कहा वाह भैया आनंद आ गया इसे तो। भगवान ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दर्जी ने कहा महाराज अभी उस धोबी ने मांगा जो क्या मिला, मौत मिली, इसीलिए हमको कुछ नहीं चाहिए। मन में विचार किया और कहा कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए और आपके दर्शन चाहिए। कहा कि जाओ भैया अनंत बड़े, और आज तुमने हमको कुछ किया, हमारे ग्वाल बालों को कुछ किया, तो खूब बड़वा आज कैसे भूल रहे हैं दर्जी टेलर लोग। 200 रुपए का कपड़ा 400 सिलाई, ये भगवान का आशीर्वाद है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित भगवान वहां से आगे बढ़े और माली के घर होते हुए निकले, वहां से मालाएं धारण करके आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो मन में विचार किया कि भैया चंदन वंदन नहीं है यहाँ पे। कुब्जा नाम की, त्रिविक्रमा नाम की एक दासी कंच की चंदन लेकर के जा रही है। तुरंत मन में विचार किया और तुरंत भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, ओ सुंदरी सुनती हो क्या। इस बात को सुनकर के पीछे मुड़ी कुब्जा, और कुब्जा ने जैसे ही देखा कि अरे मुझे कौन आवाज लगा रहा है, तुरंत मन में विचार किया और भगवान के पास पहुंच गई है कुब्जा। कहा कि कहो मेरे को सुंदरी क्यों कहा आपने। तब भगवान ने कहा कि तेरा मन सुंदर है इसीलिए हम तुम्हें सुंदरी कहते हैं, क्योंकि जिसका मन सुंदर होता है वो सुंदर होता है, और यदि कोई रूप से सुंदर होता है तो उसके बिगड़ने के कारण ज्यादा हो जाते हैं। ग्रंथों के अंदर आया कि बिगड़ने के तीन कारण होते हैं, रूप, यौवन और संपदा। यदि कोई ज्यादा सुंदर है तो उसके बिगड़ने के कारण है, और संपत्ति ज्यादा है तो भी बिगड़ने के कारण बन जाते हैं, और युवा अवस्था में है तो भी बिगड़ने के कारण बन जाते हैं। लेकिन मैं मन से सुंदर हूं, आज तुमने यदि कहा कि मैं सुंदर हूं तो मैं बहुत सुंदर हो सकती हूं, लेकिन भगवान की कृपा के बिना ये असंभव है। तब स्त्री विक्रमा ने तुरंत अपनी कटोरी से चंदन लिया और तलसे से तुरंत कहा कि आज तुमने मुझे सुंदरी कहा, मैं प्रसन्न हो गई, आज दिन तक मुझे कोई सुंदर कहने वाला नहीं मिला, कहो क्या चाहिए। तब भगवान ने कहा कि ये सुगंधित चंदन हमारे सिर पे लगाओ। तब स्त्री विक्रमा ने भगवान को चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद में तुरंत ये मुड़कर के जाने लगी। तब बलराम जी ने कहा भैया उस दर्जी ने कपड़े सिए तो उसको कुछ न कुछ दिया, माली को कुछ न कुछ दिया, और उस धोबी ने दिया तो उसको भी कुछ न कुछ दिया, ये त्रिविक्रमा इसको क्यों नहीं दे रहा था। कहा कि इसको क्या चाहिए। तब बलराम जी ने कहा कि इसको सुंदर बना दिया। ग्वाल बाल थे भैया ये जादूगरी वादूगरी नहीं आती है हमको सुंदर करने की। तब कहा कि नहीं कृष्ण चाहे तो इसको सुंदर बना सकता है। बलराम जी ने जैसे ही कहा तो भगवान कृष्ण उस कुब्जा के पास में पहुंचे और अपना पैर का अंगूठा उस कुब्जा के अंगूठे पे लगाया और दूसरा हाथ थोड़ी पे लगाकर जोर से झटका लगाया, तुरंत सुंदर हो गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही उस कुब्जा को सुंदर बनाया पूरे नगर में हल्ला बोल दिया कि अरे भैया कृष्ण और बलराम आ गए और उस कुब्जा को भी सुंदर बना दिया, धोबी को मार दिया, पूरे मथुरा नगरी के अंदर हल्ला कर दिया, सब घबरा गए। कंस को पता चला तब मन में विचार किया और पहरेदार बढ़ा दिया मथुरा नगरी के अंदर कि कंस और बलराम कहीं भाग नहीं पाए।